किसान भाई, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करूँगा पंजाब के लिफ्टिंग रेट की। 11 नवंबर 2021 आपको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अपडेट पंजाब से मैं देने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आज के पंजाब के लिफ्टिंग रेट की बात करूँ तो 105 रुपये का जो लिफ्टिंग रेट है 11 नवंबर 2021 शनिवार शाम के समय जो तय हुआ है वो 105 रुपये के साथ लिफ्टिंग है, वो रात के समय होने जा रही है। और सुबह जिन किसान भाइयों की लिफ्टिंग होगी वो 105 रुपये के साथ होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस दौर से हम गुजर कर आए हैं। और साथ ही किसान भाइयों, जो बीते कल के मुकाबले 9 रुपये की तेज़ी जो है पंजाब के रेट में आई है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो तेज़ी है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगी और हम जो है किसान भाइयों एक अच्छे रेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें किसान भाइयों आगे जब रेट बढ़ने के साथ हम बढ़ेंगे तो जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो बातें आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने चाहता हूँ। एक तो पहली बात किसान भाइयों यही है कि जब भी जो रेट में तेज़ी आ रही है, कोशिश आपने यही करनी है, क्योंकि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम मत करें जो पहले हम कर चुके हैं। क्योंकि हम जो खुद का माल डालते हैं वो तो ये काम ज़रूर करिएगा, क्योंकि कंपनी तक हम ये बात नहीं पहुँचा सकते हैं और ना ही कंपनी को कोई फ़र्क पड़ता है यदि लिफ्टिंग रेट है वो 50-60 का भी आता है, क्योंकि उनके जो क्या कैलकुलेशन रहती है, उनका जो सोया है, जो उनका फीड है, वो किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि एक साल तक जो रेट है वो उनका 30-35 रुपए फीड का रेट चलता है। लेकिन दिक्कत हमारे जैसे भाइयों को होती है जिनको फीड है, वो किसान भाइयों आप जानते ही हैं कि क्या रेट पर हम खिला रहे हैं। और इसके साथ साथ यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना जो माल है वो निकालते रहिएगा। जब आपका माल है वो 2 kg आप एवरेज ले लेते हैं तो उसको चलता करिएगा, ऐसा ना हो कि फिर से एक बार मार्केट है वो सुपर मोटा मोटा से भर जाए। तो ऐसा ना हो कि पिछले जो 2-3 बैच हमारे बेकार निकले हैं तो उसका जो सारा जो घाटा है वो हम एक बैच से ही निकालने को जा रहे हों, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पोल्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है, यदि आज 10 रुपये मंडी का उछाल आया है तो कल 10 रुपये डाउन भी जा सकता है, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ यदि किसान भाइयों जो लिफ्टिंग रेट है वो 110-115 तक जाता है तो आप सभी जानते ही हैं कि जो चिकन है, जो कटर भाई है, वो चिकन देंगे वो भी 250-250 रुपये के आसपास चला जाएगा। और उस समय जो है जब ऐसे में रेट बनता है, इतना रेट पहुंचता है सर्दी में, तो एक जो इसको बदनाम किया जाता है, गलत अफवाहें उड़ाई जाती है, तो उन अफवाहों से भी हमने बचना है और हमने यही कोशिश करनी है। क्योंकि ज़्यादातर हम फार्मर भाई ही हैं जो कि ऐसी अफवाहें को किसान भाइयों ग्रुप में शेयर करते हैं, इधर उधर बेचते हैं बेकार में, तो ये बात है वो आपने ज़रूर ध्यान में रख कर आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ मैं बात करूं किसान भाइयों मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो उधर से भी अच्छी खबर आ रही है। उधर भी रेट है वो बढ़ नहीं रहा था, लेकिन आज 11 नवंबर 2021 शनिवार 5 से लेकर 6 रुपये की तेज़ी है उस रेट में भी आ चुकी है जो मुंबई महाराष्ट्र से हमें मिल रहा है। तो किसान भाइयों, उम्मीद तो यही है कि जो मंडी है वो सुधरेगी और जो किसान भाई पिछले काफ़ी 2-3 बैच से रेट को तरस रहे थे उनको थोड़ा रेट है वो अच्छा मिल रहा है और आगे भी मिलने की मैं यही उम्मीद करता हूं, यही कल्पना करता हूं। और साथ ही आपसे यही भी गुजारिश है कि अफवाहों से हमें बचना होगा। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।